पर्सन बड़े हैं, बहुत तगड़ा पर्सन है, समाज सेवी हर शिकारा। लाइव आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई कुश्ती है बजरंग लाए, एशियन गेम होने दो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। अरा तम भाई अपना विशाल ले आइयो, मैं हमारा बजरंग ले आवाँगे, कुश्ती लड़ा देंगे, जो जीते हो तो सारा इनाम दे देंगे। उस शिकारा ने भी एक बात कह दिया भाई, ईब तू आवे माती बन के ना लाइव आवे, ईब हमारा गांव ने रखा वो दो सिंगड़ा जड़ुआ और उसका पोया जाएगा, वो इनाम था उसका पहले का, ईब को ठटेरा है कि लाइव मनु का और मैं करवा दूंगा कुश्ती। ईब आ गया वह बजरंग, वह ब्याह पाछा बात कोई को नहीं भरिया करता, ब्याह तो पहले बात भरे जाकर, वह कुश्ती थी एशियन गेम तो पहले की, अरे तो गांव राम ने जड़ुआ दे रखा भाई, तेरे बजरंग बजरंग को नहीं गला तेरा ही पोया जाएगा। फिर ये पटाखे उस खुशी में बजाए गए हैं जो बच्चों का साथ जूनियर बच्चों के शोषण करके ना आगे बढ़ने का काम करे था और कुश्ती को ख़त्म करने का काम करे था, और जो समाज की बातें नहीं मानी उसकी बार बार समाज उसके सामने झुकया भी उसने नहीं मानी, तो इससे बड़ा उसके साथ मेरे हिसाब से ठीक हुआ है, गलत नहीं हुआ है, उसको तमाचा लग गया है, ये एक ऊपर का होने का ऊपर थुकने का उसको एक न्याय मिला है, फल मिल गया आपका। जी मेहनत उसको कर रहा था जिसना उसमें घमंड था, देश के साथ बच्चों के साथ गद्दारी करके ना वो एक आंदोलन बेच के ना अपना नाम डलवाया था, जिसने अपना लिस्ट में आज उस देश को और उसको जो उसके इमाती थे साथ वाले जिसने नाम उसका जो नाम डलिया था उनको ही पता चल गया भाई देश के लिए उसने क्या किया, क्या मेडल लिया, क्या नहीं किया, एक बहुत ही बड़ी देश की बेइज्जती करवाई होगी उसने मेरे हिसाब से और भाईचारे के हिसाब से, जो वो यहाँ मान जाता अपना भाई विशाल काली रामन क्या पता गोल्ड भी ले आता। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्येंद्र सिसाई, फिलहाल सिसाई गांव था तो जुड़ गया और आपने स्क्रीन के ऊपर पटाखे बजते हुए नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं गांव का जो मेन चौराया है वह पटाखे बजाने लग रहे हैं, बातचीत करावांगे क्यों बजा रहे हैं। और इसके अलावा जिक्र कर लें आज का, आज कुश्ती का महामुकाबला था, सारा देश की निगाहें बजरंग पुनिया की कुश्ती पर टिकरी थी, और इससे अलावा बात करें तो लगभग 12 गोल्ड जो गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, देश के जो खिलाड़ियों जीत करके ले आए, लेकिन सिसाई गांव के जो लोग थे जो लगातार विशाल कलमंडल ने लेके एक मामला गरमाया हुआ था और लोग बड़े दुखी थे क्योंकि लगभग 5 से 7 बार पंचायतें हुई लेकिन फैसला नहीं होया, और आज पटाखे बज के खुशी जाहिर कर रहे थे, बाकी उनका मन में क्या है बातचीत आपकी करा देंगे। लिया भाई नमस्कार, भाई साहब राम राम। भाई साहब फिलहाल की बात करें तो पटाखे बजाए गए, एक तो देश का खिलाड़ी जो आगे खेलने का दर्जा रहा था वो करारी हार उसने मिल गई है, और एक तो पटाखे बजाए जाने लग रहे। भाई साहब ने पता इस बात का, तो एक देश को तो बहुत बड़ा लॉस होया है, कोई मेडल नहीं आया, बहुत बड़ा झटका तो लग गया ही है। फिर ये पटाखे उस खुशी में बजाए गए हैं जो बच्चों का साथ जूनियर बच्चों के शोषण करके ना आगे बढ़ने का काम करे था और कुश्ती को ख़त्म करने का काम करे था, और जो समाज की बातें नहीं मानी उसकी बार बार समाज उसके सामने झुकया भी उसने नहीं मानी, तो इससे बड़ा उसके साथ मेरे हिसाब से ठीक हुआ है, गलत नहीं हुआ है, उसको तमाचा लग गया है, ये एक ऊपर का होने का ऊपर थुकने का उसको एक न्याय मिला है। इसके अलावा बात करा तो विनेश फोगाट ने भी इसमें बिना ट्रेल जाने की बात हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं कोई चोट लग गई उसकी वजह से नाम उल्टा ले लिया, लेकिन बजरंग पुनिया ने नाम वापस लेने के बिल्कुल अड़ गया था, अगर मैं नाम वापस नहीं लूँगा। नहीं लिया तो भाई उसको फल मिल गया आपका। जी मेहनत उसको कर रहा था जिसना उसमें घमंड था, देश के साथ बच्चों के साथ गद्दारी करके ना वो एक आंदोलन बेच के ना अपना नाम डलवाया था, जिसने अपना लिस्ट में आज उस देश को और उसको जो उसके इमाती थे साथ वाले जिसने नाम उसका जो नाम डल लिया था उनको ही पता चल गया भाई देश के लिए उसने क्या किया, क्या मेडल लिया, क्या नहीं किया, एक बहुत ही बड़ी देश की बेइज्जती करवाई होगी उसने मेरे हिसाब से और भाईचारे के हिसाब से, जो वो यहाँ मान जाता अपना भाई विशाल काली रामन क्या पता गोल्ड भी ले आता। इसके अलावा बात कर लिया तो जंतर मंत्र आंदोलन चल रहा था उस टाइम में, जो पहले अंत में कहने लग रहा था कि बेटियों का शोषण होया है, उसी तरफ एक तरफ ब्रिजभूषण था जो कि कुश्ती का फेडरेशन का अध्यक्ष था, उन्होंने कहा भी सारा मामला यो है कि भाई मैं ट्रायल का नियम तो बदलने लग रहा हूँ और ये निचारे ट्रायल हुआ है भाई, ये नुए चाहो थे बोधे हो गए भाई, पहलवान आदमी बूढ़ा भी हुआ है, इनका एक के टारगेट था, इनका एक प्लान था उन बच्चों महिलाओं को आगे लेने के लिए भाई, शोषण का जकरा शोषण का जकरा इनका मेन मकसद ये था, हम बिना ट्रायल आगे जाऊँ और ऐसे गेम लड़ा और हमारे कुश्ती पर राज रहो है, तो उसका काम था प्लान ये था भाई हम बच्चों की ट्रायल लें, जो ट्रायल में फर्स्ट आएगा वही आगे जाएगा, इसलिए इन्हें वैसे विरोध पाखंड रच रखे थे, ऐसी कोई बात नहीं, आज समाज के सामने और देश के सामने पता भी चल गया होगा कितना बड़ा देश के साथ इसकी गद्दारी और बच्चों के साथ गद्दारी की, जो आगे गया और देश का नाम भी रोशन नहीं कर पाया। जब विशाल कलमंडल का मामला चल रहा था, गरमा रहा था, जब लगातार कहने लग रहे थे कि भाई 3 से 4 पंचायतें हुई, भाई अगली पंचायत रख लो मैं मान जूंगा, उसका अगली रख लो मैं मान जूंगा, और फिर आके लास्ट वाले में कह दिया कि भाई वह लोग दिखाई नहीं दे रहे जो मेरा साथ जंतर मंत्र पर बैठे थे, क्या कुछ लगा है, क्योंकि बार बार पंचायतें उसके कहने तो होती रही है, बार बार पंचायतें उसके कहने से होती रही, खर्चा लगते रहे,
गांव के आदमी समाज के आदमी तंग होते रहे, वहाँ उसके पास गए भी थे, रोगी खाप के प्रधान थे कई, सारा समाज ने जींद बार तीन बार उसे इकट्ठा भी किया, ना वो पंचायत में आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उसने समाज को एक छोटा सा एक नमूना समझ लिया, भाई समाज तो तेरा हिसाब से चला, उसके 5-10-20 चमचे छोड़ रखे थे, वही उसको हैंडल करने लग रहे थे। किरा बजरंग कुनिया मान भी जर जो साथ में उसके ठठेरे लाग रहे थे नहीं, जो उसके माती थे, सारा सौदा उनती बिगाड़ रखा था। अरे बजरंग कुनिया पछताओ भी का, क्या पता देश के लिए मारा विशाल काली रावण जावर करा गोल्ड ले आता। सबसे बड़ी उसकी मूर्खता तो ये थी, वो समाज के सामने नहीं झुकया और अपने आप को राजा समझने लग गया, और गमन तो रावण का भी लग गया था वो चीज़ें के था। इसके साथ में बात करा तो जब सोशल मीडिया पर खबर फैल लगी बजरंग पुनिया करारी आर उसने मिल गई है, एक बात लोग कमेंटा जरिए बताने शुरू कर दी, अगर भाई जब पंचायत होने लगी जब समाज की बात मान जनता तो देश का हीरो था, हीरो बना रहता, कहीं ना कहीं जो हीरो हीरो का रूप में जनता देखा करती, लोगों की नजरा तो भी गिरा है, लोगों की नजरा तो भी गिरा है, वो अपना मान सम्मान जो प्रक्रिया जो थी वो भाई विशाल काली रावण को दे देता तो आज के हारा हुआ भी जीता हुआ तार हुआ पूरा देश का पूरा वर्ल्ड का हीरो होता, अरे वो जीरो हो गया है। अरे एक बच्चे की नज़र में भाई पता चल गया, जब मैं तो यह बात कहूँगा जिस आदमिया ने उसके पास खाड़े में और उसके अकेडमिया में जो बच्चे छोड़ रखे हैं वहाँ से छुटा के उनती और खाड़े में और अकेडमिया में डाल दो, जिसका गुरु भ्रष्ट होगा तो वो बच्चों को किसा ज्ञान देगा, वो जो बच्चों के साथ खुद ही शोषण करने लग रहा है, बच्चों के साथ गलत करने लग रहा है, अपना हक लेने खातर वो हाथ बड़ी नू देखता नहीं, देश के लिए मेडल आऊगा कुछ आऊगा, वो अपना पेट पीटने लग रहा है, वो बच्चों को क्या सिखाएगा, वो बच्चों को गलत दिशा में ले जाएगा, उसकी अकेडमी से उसके खाड़े से उसके कमरे से बच्चों को दूर रखें, उससे भी दूर रखें और अच्छी लाइन पर अच्छे खाड़े में डालना शुरू कर दें। एक पर्सन बड़ा है, बहुत तगड़ा पर्सन है, समाज सेवी हर्षिकारा लाइव आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई कुश्ती है बजरंग कला एशियन गेम होने दो, उसके बाद मैं करवाऊंगा, तुम अपना विशाल ले आइयो, मैं हमारा बजरंग ले आवांगे, कुश्ती लड़ा देंगे, जो जीता उसे सारा इनाम दे देंगे। उसे रचकार ने भी एक बात कह दिया, भाई ईब तू आवे माती बन के ना लाइव आवे, ईब हमारा गांव ने दे रखा वो दो सिंगड़ा जड़ुआ और उसका पोया जाएगा, वो इनाम था उसका पल्ले का, ईब को ठटेरा है कि लाइव मनु का और मैं करवा दूंगा कुश्ती, ईब आ गया बजरंग वो ब्याह पाछ बात कोई कौन भरिया करता, ब्याह तो पहले बात भरे जाकर वह कुश्ती थी एशियन गेम तो पहले की, अरे तो गाम राम ने जड़वा दे रखा भाई तेरे बजरंग बजरंग को नहीं गलत तेरा ही पोया जाएगा।